समय की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि पैसे के लिए लोगों ने नए नए यत्न करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से गुरु को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है, यदि गुरु ही शिक्षा बेचने पर आ जाए तो क्या होगा। इसी तरह का वाक्य है कानपुर के मुलायम सिंह महाविद्यालय का, जहाँ पर अध्यापकों ने परीक्षा में नंबर दिलाने के नाम पर छात्रों से धन की मनमानी उगाही करना शुरू कर दिया। हमारे रिपोर्टर द्वारा वहां पर पहुंचने पर इस बात का पता चला कि हर साल इसी तरह से यहां के अध्यापक छात्रों से मनमाना धन जमा करवाते हैं और उन्हें तब जाके नंबर प्राप्त होते हैं। किंतु आज वहां पर छात्रों द्वारा काफी रोष देखने को मिला। वहां के सारे छात्रों ने इस बात का विरोध करा। छात्रों ने बताया कि यहाँ पर परीक्षा में नंबरों के नाम पर मनमाना धन जमा करवाया जाता है। 300 रुपए दीजिए और जो इसको मतलब अच्छे परसेंटेज चाहिए उसको 800 रुपए मतलब देने पड़ रहे। तो हम लोग तो इतने रुपए लेके आए नहीं भाई, और इतनी दूर का मामला हम लोग ने कहा चलो। आप कहाँ से आए? 300 रुपए लिया गया रसीद नहीं, ये इसको जमा करने के बाद ये प्रवेश पत्र है मेरा, इसको लेके उन्होंने ये प्रवेश पत्र है इसको लेके उन्होंने जमा किया पैसा। तो आपको कोई इसके लिए रसीद नहीं दी? नहीं रसीद नहीं दी कोई जी। आपसे भी कोई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक सिंह है। जी अशोक जी, ये बताइए आपसे भी पैसा लिया गया? जी हाँ, 30-30 रुपए सबसे कराया जाए। यहाँ पे लास्ट दिन हम लोग जिस दिन लास्ट हम लोग का पेपर था उसमें हमने पूछा गया सर वाइवा कहाँ पे होगा, मतलब क्या क्या चार्ज कुछ लगेगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे पेपर नहीं होगा, नेट के थ्रू आपको पता लगेगा। अगर आप इन्होंने क्या दिया होता है क्या नाम है हम लोग का लास्ट दिन वाले की आपको इतना इतना पैसा लग रहा है, तो हम लोग पैसा लेकर कई स्टूडेंट क्या पैसा लेके नहीं आए। प्रधानाचार्य से पूछने पर वे कहते हैं ये पैसा विद्यालय की समिति में लगेगा और ज्यादा विरोध करने पर हाथापाई पे उतर आते हैं। इस बारे में प्रधानाचार्य से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये सारे छात्रों की मनगढ़ंत कहानी है। अगर धन लिया गया है तो छात्रों के अवम अध्यापक के विकास में लगाया जाएगा और साथ ही ये पैसा कॉलेज के जनरेटर बिजली निरीक्षण को देने में खर्च होंगे। बाद में सारे दबाव में आकर छात्रों का पैसा वापस तो किया गया, किंतु सारा पैसा पूर्ण रूप से भी वापस नहीं किया गया है। इस सारे मामले में सवाल यही उठता है कि शिक्षा के मामले में बड़े बड़े वायदे कर रही सरकार के पास क्या इतना भी धन नहीं है कि महाविद्यालयों में बिजली जनरेटर का इंतजाम किया जा सके। और अगर धन का इंतजाम है तो फिर क्यों छात्रों द्वारा ही किसी न किसी रूप से पैसे लेकर छात्रों एवं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। यादव के साथ सूरज पांडे की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश कानपुर।